बच्चों नमस्कार, सब ठीक है? आप और आपके परिवार सुरक्षित है ना? मुझे लगता है कि आप सब सुरक्षित हैं। मेरा नाम अली हमजा, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था? मुझे आशा है कि अपने पहले पाठ में सब कुछ सीखा होगा। आइए हम अगला पाठ शुरू करें। हमारा पाठ का नाम मरता क्या न करता। मरता क्या न करता, हताशा से बाहर कुछ किया होता। बच्चों, क्या आपके घर में मेहमान आते हैं? जब मेहमान आते हैं तो आपको कैसा रहता है? मेहमान आपकी पहचान के होते हैं या अजनबी? आप अतिथियों का आदर सत्कार कैसे करते हैं? बच्चों, आज भी हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां हैं। लोग धर्म की बात तो करते हैं, परंतु ये जाने की कोशिश कभी नहीं करते कि सच्चा धर्म क्या है। उदाहरण के लिए, धर्म के नाम पर एवं झूठी प्रशंसा के लिए दूसरों का ध्यान रखना और अपने ही साथ रहने वाले व आसपास के लोगों को कष्ट पहुंचाने, इसी तरह की समस्या है। हम कहानी को सुनिए और ये समझिए कि किसी कार्य का विरोध होना लगता है। मरता क्या न करता, हताशा से बाहर कुछ किया होता। सुनिए, हम सीखेंगे जिस कार्य को हम उचित समझते हैं उसे करने के प्रति अडिग बने रहना चाहिए। दान देना एवं अतिथि सम्मान आदि नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान जीवन की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। केरल में छोटा सा गांव है कालाड़ी। बहुत साल पहले की बात है, वह नदी के किनारे मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णुपोटी। वो बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी लक्ष्मी समझदार महिला थी। विष्णुपोटी को दाने कहलाने का बड़ा शौक था। हर रोज दो एक अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता। घर में खाने को काफी नहीं था। बेचारी लक्ष्मी को कभी कभी बड़ी मुश्किल होती। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। पड़ोसियों को भी अजीब लगता था। वे आपस में बातें करते थे कि जब घर में खाने को नहीं है तो रोज रोज मेहमानों को क्यों बुलाते हैं। हम सीखेंगे जिस कार्य को हम उचित समझते हैं उसे करने के प्रति अडिग बने रहना चाहिए। दान देना एवं अतिथि सम्मान आदि नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान जीवन की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो काम सही लगता है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। मेहमानों के साथ सम्मान से पेश आए। नैतिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान जीवन में उम्मीद नहीं है। केरल में छोटा सा गांव है कालाड़ी। बहुत साल पहले की बात है। वहां नदी के किनारे मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णुपोटी। वो बहुत निर्धन था। केरल का एक छोटा सा गांव है कालाड़ी। ये कई साल पहले की बात है। वहां नदी के किनारे एक मंदिर था।
कई पूजा स्थलों में अलग अलग लोगों को किराए पर ले। इसी तरह इस मंदिर में पुजारी का नाम इसी तरह इस मंदिर के पुजारी का नाम विष्णुमूर्ति। वो बहुत गरीबी आदमी था। उसकी पत्नी लक्ष्मी समझदार महिला थी। विष्णुमूर्ति को दानी कहलाने का बड़ा शौक था। हर रोज दो एक अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता। घर में खाने को काफी नहीं था। उनकी पत्नी लक्ष्मी बहुत बुद्धिमान महिला थी। आपके तरह कोई भी नहीं, वह बहुत रणनीति महिला थी। उसी उन्हें और दानी आदि कहलाना बहुत पसंद था। इसलिए वो जो भी करता है, हर दिन वो एक या दो मेहमानों को भोजन खिलाने के लिए घर ले आती। अगर आपके पास इस तरह के भूखे लोग हैं, तो उन्हें किराया चाहिए। घर में खाने को काफी नहीं था। घर में पर्याप्त भोजन नहीं थी और फिर भी वो लोगों को इस तरह लाते थे। बेचारी लक्ष्मी को कभी कभी बड़ी मुश्किल होती। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। पड़ोसियों को भी अजीब लगता था। वे आपस में बातें करते थे कि जब घर में खाने को नहीं है तो रोज रोज मेहमानों को क्यों बुलाते हैं। बेचारी लक्ष्मी कई बार कठोर मालूम पड़ती थी। चावल और सब्जियां कभी कभी पड़ोसियों से लाई जाती थी। पड़ोसियों का ये बहुत विचित्र लगा। वे एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं और घर में कुछ नहीं होता है तो हर दिन मेहमानों को क्यों लाए। ठीक है ना, समझे ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अच्छे तरह से पढ़े और समझे। मैं एक बार इतना भाग पढ़ सकते हैं, ध्यान से सुनो। मरता क्या लगाता, हम सीखेंगे। जिस कार्य को हम उचित समझते हैं उसे करने के प्रति अडिग बने रहना चाहिए। दान देना एवं अतिथि सम्मान आदि नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान जीवन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। केरल में छोटा सा गांव है कालाडी। बहुत साल पहले की बात है। वहां नदी के किनारे मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णुमूर्ति। वो बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी लक्ष्मी समझदार महिला थी। विष्णुमूर्ति को दाने कहलाने का बड़ा शौक था। हर रोज दो एक अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता। घर में खाने को काफी नहीं था। बेचारी लक्ष्मी को कभी कभी बड़ी मुश्किल होती। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। पड़ोसियों को भी अजीब लगता था। वे आपस में बातें करते थे कि जब घर में खाने को नहीं है तो रोज रोज मेहमानों को क्यों बुलाते हैं। समझा ना, ठीक है। धन्यवाद।